मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है, दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखे, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहे, ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है, विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे। नरेंद्र मोदी साहब जो है जफियां डाल रहे हैं, जो बाइडेन के साथ भी डाल रहे हैं, एमैनुएल मैक्रोन के साथ भी डाल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के साथ भी डाल रहे हैं, एंड आप उनकी फ्रेंकनेस लेवल चेक करें। और यहाँ पे जिस तरह आज मैं कह रहा था कि जो चाइनीज हमारे दोस्त हैं वो सानू अपने उन्होंने जो हाई लेवल डेवलपमेंट डायलॉग बुलाया उसमें हमें बुलाना छोड़ गए। कहूँ कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुँच गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे उनको यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद एमबीजेड जो हैं वो लेने आए हैं, और उन्होंने आके बड़ा एक वार्म वेलकम किया। और ये आपको पता है कि ये जो वेलकम है, ये जो नूपुर शर्मा वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बिल्कुल बाद में हुआ, सो इट मींस के जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इंडिया को मजहबी लेंस से नहीं देखती। ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, और हम समझ रहे थे यहाँ पे कि शायद जो है वो हम लोग जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक मजहब ही वो चीज़ है डिटर्मिन करती है कि जिसने हमारा लिंक डेवलप करना है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, लेकिन पता चला कि नहीं, मजहब नहीं है जो चीज़ लिंक डेवलप करती है, ये नेशनल इंटरेस्ट होता है। अब यूएई और इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट इज ऑन बिजनेस, बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स इन कश्मीर, जो फ्री ट्रेड है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, $100 बिलियन की वो ट्रेड करने लगे 2030 तक, I2U2 में वो पार्टनर हैं। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो अमीरातीज के साथ इस तरह की है, तो आप क्या समझते हैं कि where does Pakistan stand in that? BRICS summit हुआ 23 जून को और चाइना, रशिया, भारत, जनूबी अफ्रीका उसमें शामिल रहा, लेकिन पाकिस्तान को सुतकी का सामना ये रहा कि एक तो दावत ही नहीं गई दी गई बुखारी साहब शिरकत की, जबकि चाइना उसको होस्ट कर रहा था और चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात सबके सामने, इसके बावजूद कहीं से खबर आई है कि कोई एक मुल्क है जिसके कहने पर हमारा इनविटेशन जो है वो कैंसिल हुआ। ये तो मेरे ख्याल से कोई इसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है समझने के लिए कि वो मुल्क कौन सा है। हिंदुस्तान के पेट में मरोड़ उठे थे, उन्होंने किया, लेकिन मैं जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि सिर्फ ये अफसोस जाहिर करना कि हमें नहीं बुलाया आपने, ये काफ़ी नहीं है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर प्रोटेस्ट होना चाहिए था, इसलिए कि जिन दीगर 13, ये 5 तो रुकन है ना इसके, दीगर 13 ममालिक को जिनको बुलाया गया, जिनमें अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिजी है, ईरान है, कंबोडिया है, एथोपिया है, थाईलैंड है, कजाकिस्तान है, सेनेगल है, उज़्बेकिस्तान है, इनमें से किस मुल्क की इकॉनमी हमसे बेहतर है जी? मतलब तो अगर इनको आपने बुलाया 13 के बावजूद हमें नहीं बुलाया, इस पर तो प्रोटेस्ट बनता है। ये तो मेरे ख्याल से ये एहतजाज करना जो है ये काफी नहीं है। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान ने, मैं मोस्ट रिसेंटली आपको आज की खबर दे रहा हूँ, ठीक है जी, पाकिस्तान ने अमीरातीज को कहा है कि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि हमें जो है वो ताकि हमारे हम जो लोन्स पे कर सकें। अमीरातीज ने उसके ऊपर शर्त लगा दिया, वो कहते हैं ठीक है आप हमसे पैसा लेना चाहते हो ठीक है हम कर लेते हैं, लेकिन जो पब्लिकली लिस्टेड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं उसमें हमारे शेयर्स दें, हमारा माइनॉरिटी शेयर दें। 10-12% शेयर उन्होंने अमीरातीज ने मांग लिया है पाकिस्तान से, ये यूएई की गवर्नमेंट ने एक ऑफर की है और बड़ी फेयर ऑफर मुझे लगती है। द रीजन बिहाइंड है आपको कोई बंदा पैसा नहीं देगा। चाइनीज ने $2 अरब का रोल ओवर किया है जो कि होना था, और फिर यह है कि अभी कुछ $2.3 बिलियन उन्होंने जो है हमें रिसेंटली बेचा है। अब यह है कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली यूएई का फ्रेंडली कंट्री है, हम हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जारी बात है हम वहाँ जाते हैं पैसा मांगने, हम जाते हैं वहाँ पे कर्जे मांगने जाते हैं, तो उस हिसाब से वो हमें देखते हैं कि ये भाई हमारे पार्टनर नहीं है, वो हमें जूनियर पार्टनर समझते हैं। और चाइना जो है वो अमरीका तो है नहीं, अमरीका से आपने $35 से लेकर $38 अरब लिए और आप रोज गाली देते हैं अमरीका को, अमरीका ने साजिश कर दी, अमरीका ने ये कर दिया, ठीक है, आप रोज गाली देते हैं अमेरिका को। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, जबकि अमेरिका ने इतना ज्यादा पैसा दिया है, कंटेनर भर भर के डॉलर आए हैं, कंटेनर भर भर के डॉलर आए हैं,
लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को गाली भी देता है, अमेरिका को धोखा भी देता है, अमेरिका की पीठ पे छुरा भी घोंपता है, पाकिस्तान सब कुछ करता है और अमेरिका ने इतने पैसे दे रखे कि जिसका हिसाब ही नहीं है। तो अमेरिका को गाली दे सकता है, चीन को एक बार पाकिस्तान गलत सांस ले ले, चीन को गाली देना बहुत बड़ी बात है, एक बार गलत सांस ले ले फिर देखिए चीन क्या करता है, उल्टा लटका के मारेगा चीन, उल्टा लटका के पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का, उम्मा का बादशाह सलामत बनने की कोशिश करता है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल रखा है शिनजियांग में, लेकिन पाकिस्तान की चूनी निकलती है, वो कहता है हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है यार, अरे तुम्हारा नेबर है चाइना, तुम्हारे बगल में है, पता लगा लो, नहीं चुप, क्योंकि वहां पे चाइना ये कह रहा है कि देखो यार हम अपने मुसलमानों के साथ जो मर्जी करें ठीक है, हम उनको जान से मार दें, हम उनकी औरतों के साथ दुष्कर्म करवाएं, रेप करवा दें, हम उनके बच्चों को री एजुकेशन कैंप्स में डाल दें, हम जो मर्जी करें, अपना मुंह खोलो बेटा, मुंह खोला पाकिस्तान ने, ये लो बेटा डॉलर, पाकिस्तान के मुंह में डॉलर ठूस दिए, पाकिस्तान चुप, कह रहा हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। वो पाकिस्तान को तकरीबन 27 ट्रिलियन रुपीज चाहिए, 27 ट्रिलियन रुपीज चाहिए किस चीज के लिए, बिकॉज हमें कर्जे वापस करने हैं, हमें मुल्क चलाना है, हमें अपना निजाम चलाना है, और ये पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये एक्सपेंडिचर्स नेशनल असेंबली में पेश कर दिए हैं कि भाई 27 ट्रिलियन का बंदोबस्त कर लो वरना मुल्क कोलैप्स कर जाएगा। पैसा तो अरेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पैसा पैदा नहीं हो रहा, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। पैसा अरेंज करना मुल्कों को तो लोग कर्जे दे देते हैं बिकॉज दिस इज अ कंट्री, वहाँ और यहाँ से बहुत कुछ वो ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसके अगेंस्ट हमें फिर मिलेगा कुछ नहीं। आपको पता है कि पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया आज $107 मिलियन की डेट सस्पेंशन का, $107 मिलियन की डेट सस्पेंशन का, और पाकिस्तान और फ्रांस जो है इससे पहले, और ये जो वायदा बेसिकली इन्होंने G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव है उसके तहत किया, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है और जो फ्रेंच प्रेसिडेंट उन्होंने साइन किया, और कुछ अर्सा पहले, साल दो साल पहले चले जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान ने फ्रांस को यहाँ पे गालियां दी जाती थी, उनको कहा जाता था उनके सफीर को यहाँ से निकाल दो और उनके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क बन चुका था, और लेकिन आज आकर में पता चला कि उन्होंने कर्जे लेने पड़े और हमें तो वो जो है वो ये जो कर्जे लिए हैं इसके रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा। पता चला हम दे तो नहीं सकते, फिर हम यही रिक्वेस्ट कर सकते थे कि हमारे कर्जे सस्पेंड कर दें। अब वो इससे पहले हमने जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक और एग्रीमेंट भी फ्रांस के साथ किया हुआ जिसमें $261 मिलियन जो सस्पेंड हुए हुए हैं। अब ये जो पैसा है ये बहुत बड़ा पैसा है, इसको हमने कैसे देना है कैसे नहीं देना, जिसमें कुछ पैसा सस्पेंड होता है, कुछ रीशेड्यूल हुआ है, और ये उसी जो फ्रेमवर्क जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव उसके तहत ये रीशेड्यूल भी हुआ और सस्पेंड भी हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ब्लॉक G7 है उसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें $600 अरब जो है वो प्रोजेक्ट के लिए रखे गए हैं जी, वो हमारे यहाँ सही प्रोजेक्शन नहीं हो रही उसकी। वो जो सीपैक का दर्द है ना वेस्ट के और खासतौर से अमेरिका के जी। दिल में ये उसका बदला है। ये वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट था जिसके तहत सीपैक जो है वो लॉन्च हुआ है, ये उसके लिए एक अल्टरनेट प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है और पाकिस्तान को फिर इसमें से बाहर रखा गया है। तो ये ऐसा लग रहा है बुखारी साहब, एक तरफ चाइना के साथ दोस्ती की सजा मिल रही है, दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि शायद अमेरिका के क्लोज होने के इल्जाम पर हमें बाहर निकाल दिया क्या? ये दोनों तरफ से पाकिस्तान कैसे रहा है? ये मेरे ख्याल से जितने खूबसूरत अल्फाज में आपने कह दिया मेरे लिए शायद मुश्किल था, लेकिन ये बात यही है कि एक तरफ हमें अमेरिका का एलाई होने की सजा मिलती है तो दूसरी तरफ चीन को समुंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी उस दोस्त और आय सख्त दोस्ती का दावा करने की सजा भी मिल रही है। कहीं अब पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमें ये तो बहुत अच्छा लगता है कि हम गालियां दें, हमें ये तो बहुत अच्छा लगता है कि हम मुस्लिम उम्मा के लीडर बने मुस्लिम उम्मा के लीडर, मुस्लिम उम्मा के साथ तो दोस्ती इंडिया की है। आप नूपुर शर्मा के वाकये के बाद पाकिस्तान में एक बड़ी बहस शुरू हो गई, उन्होंने कहा जनाब इतने से तो देखें ताल्लुकात खराब हो गए, और वो देखें कि UAE के जो प्रेसिडेंट है वो खुद उनको एयरपोर्ट पर लेने के, वो इसलिए नहीं लेने आए कि उन्होंने वो इसलिए लेने आए हैं उनको बिकॉज उनको पता है इनके पास इज अ मैन विद अपॉर्चुनिटी। अगर जब MBZ जाते हैं इंडिया में तो नरेंद्र मोदी भी उनको एयरपोर्ट पर लेने आते थे, तो आज वो उनको एयरपोर्ट पर लेके उन्हें पता ही इज अ मैन विद अपॉर्चुनिटी। ये सिर्फ इमरान खान साहब वाला स्टाइल नहीं है कि जनाब आप जाएंगे एयरपोर्ट और जाके वहां से
उनको लेंगे और कहेंगे कि पायदान मैं तो आनूं क्योंकि आपने गड्डी दबा के लिया है, मैं थोड़ी गड्डी चलाई है तो मैनू हूँ पैसे दे दो। नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, वो ये वो इस तरह की चीज नहीं होगी। एंड आई एम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात में हुए भव्य स्वागत ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया है। पीएम मोदी जी सात शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद चंद मिनटों के लिए यूएई की राजधानी अबुधाबी पहुंचे थे। इस दौरान यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन ने प्रोटोकॉल तोड़कर अबुधाबी एयरपोर्ट पर खुद पीएम मोदी की अगवानी की। इतना ही नहीं, यूएई के राष्ट्रपति पीएम मोदी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट उनके साथ ही आए, जहां दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगकर अभिवादन किया। एक मुस्लिम देश में पीएम मोदी के भव्य स्वागत को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान कितना बेचैन होगा। दरअसल पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी 2 महीने पहले संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर पहुंचे थे। तब उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए सिर्फ यूएई के एक मंत्री ही पहुंचे थे। शहबाज को यूएई में भाव न दिए जाने की चर्चा पूरे पाकिस्तान में हुई थी। दरअसल शहबाज शरीफ कर्ज की तलाश में यूएई पहुंचे थे। यूएई ने पाकिस्तान को तुरंत कोई कर्ज तो नहीं दिया, लेकिन पुराने कर्जों की याद जरूर दिला दी। अब यूएई ने कहा है कि वह पाकिस्तान के सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों में एक तय कीमत पर कम समय के लिए निवेश कर सकता है, अगर इन कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक एक सीट उन्हें मिलती है। पीएम मोदी यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबुधाबी शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयन के निधन पर शोक जताने के लिए यूएई पहुंचे थे। इसी कारण वे एयरपोर्ट से सीधे यूएई के राष्ट्रपति के महल पहुंचे और शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयन को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके तुरंत बाद पीएम मोदी अबुधाबी एयरपोर्ट से अपने विशेष विमान से भारत रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति की जबरदस्त केमिस्ट्री का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। यूएई ने 2 साल पहले अब्राहम समझौते के जरिए इसराइल के साथ संबंध बहाल किए थे, तब पाकिस्तान ने इसकी खुलकर आलोचना की थी। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूएई को परोक्ष रूप से इस समझौते को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई थी। पाकिस्तान कहता रहा है कि वह फिलिस्तीन समस्या के हल नहीं होने तक इसराइल को मान्यता नहीं देगा। वहीं 2017 में अफगानिस्तान के कंदर में हुए बम धमाके में संयुक्त अरब अमीरात के 5 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। जांच के बाद पता चला था कि इस धमाके के पीछे हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था।